नमस्कार, राम राम, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा और वक्त हो गया है बहस जरूरी है। हरियाणा में बिजली का मुद्दा रफ्तार पकड़ रहा है। बिजली के मुद्दे पर सियासत लगातार सरगर्म है। आम आदमी पार्टी लगातार बिजली के मुद्दे पर हरियाणा में प्रदेश सरकार को घेर रही है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि 2024 में वो हरियाणा में सरकार में आएंगे और उसके बाद दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी फ्री बिजली देंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की ओर से बिजली आंदोलन चलाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी 16 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन शुरू किया था। लगभग 6000 गांव के अंदर 20 लाख से ऊपर घरों के अंदर हम इस आंदोलन को लेकर पहुंचे। दिल्ली और पंजाब का जीरो बिल, जीरो बिजली का बिल हर घर को हम दे रहे हैं। पंजाब के अंदर ट्यूबवेल की लाइट भी 24 घंटे और बिल्कुल मुफ्त है। हरियाणा के अंदर ट्यूबवेल का कनेक्शन 5-5 साल तक नहीं मिलता और पूरे पैसे देने के बाद मिलता है। पैसे भी, बिजली का बिल पूरा ट्यूबवेल की लाइट के ऊपर भी आता है। हरियाणा के लोगों को हम ये बता रहे हैं कि 2024 के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार आएगी और पंजाब की तरह, दिल्ली की तरह हरियाणा के अंदर भी बिजली को माफ करेंगे। ये महंगे बिलों को जला के हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ने ये संकल्प लिया कि हम जैसे दिल्ली में और पंजाब में हमने फ्री बिजली दी, वैसे ही हरियाणा के अंदर फ्री बिजली देंगे। वहीं हरियाणा सरकार के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने कहा कि 2024 में बिजली कोई मुद्दा। अत्रे ने यह कहा कि हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां गांव में भी 24 घंटे बिजली दी जा रही है। हरियाणा के अंदर 2014 के बाद माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिजली कोई मुद्दा है ये विषय ही नहीं छोड़ा। हरियाणा प्रदेश में 6000 के लगभग गाँव को आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। जो पहले के हालात थे उसके अंदर एक बड़ा बदलाव किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। जहां हरियाणा के किसान को भरपूर मात्रा में बिजली मिल रही है, जहां पहले किसान अपने खेत में डीजल के पंप चलाने पे मजबूर था, डीजल फूकने पे मजबूर था, आज किसान के खेत में आपको डीजल का पंप नहीं मिलेगा। क्यों? हरियाणा सरकार भरपूर मात्रा में किसान को बिजली उपलब्ध करवा रही है। आज स्थिति ये है कि हरियाणा बिजली की उपलब्धता जो है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर है। हमारी जो डिमांड है, आज हमारे पास डिमांड से ज़्यादा बिजली उपलब्ध है। तो जिस प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो, जिस प्रदेश के अंदर बिजली जो है वो खपत से ज़्यादा उपलब्ध हो, वहाँ बिजली कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी के लोग गाहे बगाहे इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुद्दा बनाने का प्रयास जरूर करते हैं। लेकिन आप पिछले समय से देखेंगे, अगर ये कोई मुद्दा होता तो एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर्याप्त होती। लेकिन आम आदमी पार्टी के चाहे केजरीवाल जी आए तब वो कोशिश करते हैं कि बिजली पे बात कर ली जाए, चाहे उनके कोई नेता हो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये प्रयास करते हैं कि बिजली पे बात कर ली जाए। लेकिन हरियाणा की जनता उनकी बात पे इसलिए ध्यान नहीं देती क्योंकि हरियाणा की जनता प्रदेश सरकार के बिजली क्षेत्र में किए गए कामों से संतुष्ट है। हरियाणा का किसान प्रसन्न है और इस वजह से ये कोई मुद्दा नहीं है।